सूबे के मुखिया शुक्रवार को ब्यावर के दौरे पर रहे। यहां पर सीएम गहलोत हवाई मार्ग से दोपहर करीब 4 बजे ब्यावर के सनातन धर्म महाविद्यालय परिसर में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरे। अपने चहेते सीएम गहलोत को देखने के लिए हेलीपैड के आसपास के क्षेत्र में ब्यावर की जनता उमड़ पड़ी। इस दौरान जो ही सीएम गहलोत का हेलीकॉप्टर आकाश में दिखा तो पूरा क्षेत्र सीएम गहलोत जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सीएम गहलोत के हेलीपैड पर उतरते ही अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार, अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, ब्यावर जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक ब्यावर नरेंद्र सिंह ने सीएम गहलोत की अगवानी की। इस दौरान भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत, मसूदा विधायक राकेश पारिक, पूर्व विधायक पुष्कर राज्य मंत्री नसीम अख्तर, पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी, अजमेर डेयरी सदर रामचंद्र चौधरी, कांग्रेस नेता मनोज चौहान, कांग्रेस प्रत्याशी पारस पंच, जिला देहात जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, मसूदा के पूर्व विधायक हाजी कयूम खान सहित जनप्रतिनिधियों ने सीएम गहलोत का नव सृजित ब्यावर जिले की धरती पर पहली बार उतरने पर उनका आभार जताते हुए उनका सूत की माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान हेलीपैड के आसपास के क्षेत्र में अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। इसके बाद सीएम गहलोत सभा स्थल के लिए रवाना हो गए।